तुम्हें ना लेकर मेरे पास शहर जरूर आना। मैं तो कहता हूँ अब साहब को कुछ आराम कर लेने दे, क्यों उसका सिर खाता है। हाँ हाँ साहब जी, अब आप आराम करें, मैं आपके लिए बिस्तर लगाता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तस्वीरी मुकाबले के विनर का ऐलान किया जाता है। एशियन ह्यूमैनिटेरियन कल्चरल एसोसिएशन की जानिब से मुनक्कदा इस तस्वीरी मुकाबले में जो तस्वीर बेहतरीन करार पाई है वो हमारे मुल्क के नामवर मुसव्वर की एक खूबसूरत तख्लीक है। तो ज्यूरी के फैसले के मुताबिक 5,00,000 रुपए के पहले इनाम के हकदार करार पाए हैं मिस्टर जैन। वो पापा आ गए। ओए क्या हाल है जी? जी तो क्या बन रहा है? मेरा ड्राइंग कर रही हूँ। गुड, तुम ड्राइंग कर रही हो। आज मैंने प्राइज जीता है 5,00,000 का। वो तो इतनी गहरी नींद सो रही है, उठाने की इतनी कोशिश की उठती है ये। अच्छा जब उन्हें पता लगेगा ना उनकी भी आंख खुल जाएगी और ऐसी आंख खुलेगी कि कभी भी सो नहीं पाएगी। आओ आ जाओ। रबिया, रवि, आई एम द विनर, आई हैव वन द प्राइज। ये देखो पूरे 5,00,000 का चेक मैंने जीता है। देखो तुम्हारे दुखों का इलाज। बोलती क्यों नहीं हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई? राबी, राबी, तुम अगर चुप कर नहीं जा सकती। लगता है अब रात भर सोए नहीं।
अब नींद कहां बेटे? रात तो आंखों में ही कट जाती है। ओहो, एक तो आपका फलसफा। भाई जल्दी उठो, 9 बजने वाले हैं, जल्दी करो ना। क्या शोर मचा रही हो? मैं तैयार हूं, आ रहा हूं। उठिए जनाब, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। यार कम से कम एक कप चाय तो साथ पी लिया करो। डार्लिंग तुम पी लो, मैं उठूंगी तो खुद ही चाय बना कर पी लूंगी। ओके ओके ठीक है, बाय। एक तो ऑफिस जाने के लिए जितना जल्दी उठूं हमेशा लेट हो जाती हूँ। भाई। हाँ बोलो। नाश्ता तो करते जाओ। मुझे पहले देर हो रही, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ हाँ, बेगम साहिबा सुबह जल्दी उठे तो नाश्ता मिलेगा। सुनो मायरा, अपनी जबान को लगाम दो। हमदर्दी जताने के और भी तरीके होते हैं, वैसे भी नजमत सारा दिन घर का काम ही तो करती रहती है। पहले जिंदगी में तलखियां कम थी, जब से बीवी आई है भाई का लहजा भी तलख हो गया। बहु कांचन सांप की तरह फुंकारने लगे तो बेटे की जुबान जहर उगलने लगती है। मैं खुद को बहुत तनहा महसूस करती हूँ इस घर। बेटा, एक तुम ही तो हो जिसने मेरी तन्हाई के अंधेरों में उजाला कर रखा है। हाँ, हम तो अंधेरों में ही रहे ना। शहजाद, हम दोनों ऑफिस में इकट्ठे काम करते हैं। आपकी आंखों पर तो पट्टी बन गई। बहन साहिबा को इससे फुर्सत नहीं है, छुट्टी के बाद भी घर भी देर से आती है। घरबारी का तो उसको जरा भी कोई ख्याल नहीं है, सारी कमाई तो वो अपने फैशन पे लगा देती है। और एक मैं हूँ जिसका सारा दिन सिगरेट की राख और फर्श पे लगे रंगों के दाग धब्बे साफ करने में गुजर जाता है। कभी चाय, कभी खाना, और एक वो उनके अपने ही जैसे दोस्त, उनके फजूल सी डिस्कशंस, मेरे तो नाक में दम कर रखा है। मामा के मरने के बाद भी आप अपनी तस्वीरों में मगन रहे, क्या हम आपकी तस्वीरें नहीं थी? आपसे ज्यादा तो पड़ोसियों ने हमारा ख्याल रखा, मिसेस डिसूजा ने हमारी देखभाल की। गॉड ब्लेस हर।
मैं पूछती हूँ क्यों की थी शादी? हाँ आर्टिस्ट लोगों को सिर्फ आर्ट चाहिए, बीवी बच्चे नहीं। हाँ आप लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए, आपको तो सिर्फ अपने आर्ट से इष्ट है, सिर्फ आर्ट से। कुछ भी सही, मेरे नाम से तुम्हें बड़े बाप का नाम नहीं मिला। हमें आपका नाम नहीं, आपकी तवज्जो चाहिए थी, आपकी मोहब्बत चाहिए थी, आपको तो सिर्फ अपने आर्ट से इश्क है। कभी मेरे बारे में सोचा है आपने? आपके पास है क्या इन रंगों के सिवा? बेटी के जहेज में ये तस्वीरें लेने कौन आएगा? मैं अपनी जिंदगी बेहतर गुजारना चाहती हूँ, क्या दिया है आपने मुझे? मेरी जिंदगी में ये फीके रंग ना लाइए, मैं आप पे बोझ बन के नहीं रहना चाहती। शहजाद की वालदा मुझे पसंद करती है, शहजाद भी बहुत केयरिंग है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। अगर आप शिरकत करना पसंद करें तो गुड, वरना हम लोग कोर्ट मैनेज कर रहे हैं। तुम हमारी नाक कटवाओगी? मैं तुम्हारी नाक की खातिर अपने अरमानों का गला नहीं कटवा सकती। सुनो मायरा, हम तुम्हें इज्जत से रुखसत करेंगे बेटा। शहजाद से कहो अपनी मां को भेजे। थैंक यू बाबा। नजमा, बहन तो पिया घर सुधार गई और मारी गई मैं तुम्हारी उल्फत में। नजमा, मैं कुछ समझा नहीं। समझोगे भी कैसे, दिमाग को ताजा हवा लगे तो सोचने की सलाह जागे ना। नजमा खुलकर बात करो, बात क्या है? देखो इस घर के वारिस तुम हो ना। अगर इस घर को बेचकर बेहतर जगह ले ली जाए जहाँ का माहौल अच्छा हो, खुली फिजा हो, मेरा तो वैसे भी इस पुराने घर में रह के दम घुटने लगा है। अगर बाबा से कहकर अच्छी जगह मिल जाए रहने को तो क्या बुराई है, मेरे बाबा भी शेयर कर लेंगे। लेकिन नजमा, लेकिन कुछ नहीं, मुझे पहले ही तुम्हारे बाप के बड़े नाम ने डबो दिया। तुम तो जानते हो मैं इस तरह की जिंदगी गुजारने की आदि नहीं। नौकर चाकर छोड़कर मैंने अपने आप को तुम्हारे रंग में रंग लिया, अब इस रंग ढंग को बदलना होगा मेरी खातिर। और तुम आज ही बाबा से बात करो। ठीक है, मैं बाबा से बात कर लूंगा, आज और अभी। अच्छा बाबा, अच्छा। वालेकुम सलाम। डैडी आपकी तबीयत कैसी है? जिंदा, यही बात है। डैडी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अभी कुछ कहना बाकी है वो भी कह डालो। सांस का क्या भरोसा? डैडी मैं चाहता हूं इस घर को बेचकर हम कोई अच्छा घर खरीद लें। इस घर में क्या बुराई है? सभी घर एक ही जैसे होते हैं बेटा। डैडी ये घर पुरानी तर्ज का है और नजमा भी यही चाहती है कि आप इस घर को बेचकर कोई अच्छा घर ले लें। यही घर, मेरे बुजुर्गों की निशानी है बेटा, अमानत है मेरे पास, मैं तो चाहता था
इस अमानत को तुम्हारे हवाले करूं। ये घर बेचने से बेटा बुजुर्गों के नाम मिट जाते हैं, पहचान खत्म हो जाती है। डैडी छोड़िए इन पुराने किस्सों को, मेरा तो ख्याल था ये घर मेरा है। जरा सोचिए, मैं मायरा को उसका हिस्सा दे चुका हूं। डैडी उसकी शादी पर जो खर्चा है वो मेरी जमा पूंजी ही तो थी। मेरा ख्याल है कि इस घर को बेचने में आपको कोई एतराज नहीं होगा। वैसे भी आपने अपनी बीवी को सारी उम्र सुख में कहां रखा, लेकिन मैं अपनी बीवी को नाराज होते नहीं देख सकता। जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर ले आएगी मुझे मालूम न था। अपनों की बेहसी, हर तरफ भयानक चेहरे और मेरी तन्हाई, अब तो रंगों से भी दिल नहीं बहलता। मेरी मानो जैन, तुम फिर एक शाहकार बनाओ। बहुत तलाश करना पड़ेगा, थक गया हूं मैं। जैन तुम्हें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, जेल की चार दीवारी में कोई ना कोई शाहकार जरूर मिल जाएगा। हाँ आओ। से देखोगे तो इन्हीं भयानक और शैतानी चेहरों में तुम्हें कोई इंसान भी मिल जाए। क्यों छुपा रखा है, इसे कहो अपना चेहरा दिखाए। जरूर इधर देखो।